नई दिल्ली में तेजस्वी यादव के आवास सहित 15 जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के एक दिन बाद राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने शनिवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके द्वारा भेजे गए ईडी ने उनकी गर्भवती बहू को जबरन 15 घंटे तक बैठने को मजबूर किया। शुक्रवार को ईडी ने तेजस्वी यादव के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी आवास पर छापेमारी की, जहां वह अपनी पत्नी राजश्री के साथ रहते हैं जो गर्भवती है। छापेमारी के दौरान तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। केंद्रीय एजेंसी ने लालू प्रसाद के परिवार और दोस्तों के ठिकानों पर छापेमारी की थी।